बीजेपी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने नागल चौधरी पालका ऑफिस का शुभारंभ रिबन काटकर किया। उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अब हमारे पास ऑफिस भी हो गया है और बजट भी काफी है, जिसमें शहर की विकास गति तेजी से होगी, जिसमें सीवर लाइन, पेयजल लाइन के बाद जितनी भी टूटी सड़कें हैं सबको जल्द से जल्द बनवा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेयरमैन सभी पार्षदों के साथ एक मीटिंग भी की और उनको जल्द से जल्द शहर में चल रहे विकास कार्यों को पूरा करने के आदेश दिए। पर उनके साथ सभी अधिकारी सुरेश व वार्ड पार्षद अनीता जाटीवाल, सोनू तमर, भवानी जोशी, बलवंत सैनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज ये नगर पालिका के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया हमने और नगर पालिका नांगल चौधरी ने अब सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। बजट हमारे पास कमेटी में ऑलरेडी उपलब्ध है और सीवर और पानी का काम चल रहा है। सीवर पानी की लाइनें डलते ही और सारे नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों के निर्माण, सड़कें और नालियों के निर्माण का कार्य बड़ा तेजी से चलेगा। टेंडर की प्रक्रिया इतने समय में पूरी कर दी है। सर, कुछ लोगों की जो शिकायतें ज़्यादातर ये होती है कि अधिकारी नहीं बैठते हैं, वो ज़्यादा समस्या है। अधिकारी हमारे पास सेक्रेटरी साहब के पास एडिशनल चार्ज है और इनको आज बात हो गई है, हफ्ते में दो दिन बुधवार वीरवार को यहीं बैठेंगे। और जो अभय सिंह सर आए थे उनके शुभ कर्मों से आज उद्घाटन हुआ है और जो भी सबने अपनी वार्ड पार्षदों ने अपनी परेशानी बताई उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे और सबका काम जल्दी से मैडम स्टाफ की काफी कमी बताई जा रही है, जिससे कि आप विकास के लिए कह रहे हो, तो फिर विकास कैसे हो पाएगा जब कर्मचारी नहीं हैं? हम खींच के लेंगे तभी तो काम होगा ना। करीबन 10-11 समस्याएं रखी थी, बाकी अभी सारी पेंडिंग ही पड़ी है, सोल्यूशन किसी का भी नहीं हुआ है और शायद उम्मीद करते हैं कि सोल्यूशन। उनके सामने हमने सिर्फ प्रॉब्लम रखी थी, सीवर लाइन की प्रॉब्लम रखी थी, उन्होंने यही कहा कि 3-4 महीने में आपकी ये जो सीवर लाइन की जो अभी चल रही है समस्या ये कंप्लीट हो जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगा? नहीं, हरिजन चौपाल का रखा था उन्होंने, मतलब जेई को और सेक्रेटरी सर को बोला है कि इनकी वो हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व, बाकी हो जाएगा धीरे धीरे। पता नहीं अरे रुक जा। शहर के अंदर में अतिक्रमण की बहुत भारी समस्या है। हाँ जी, काफी दिन हो गए, नगर पालिका के चुनाव भी हो चुके हैं, नगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं, शहर में अतिक्रमण जो हो रहे उसके बारे में हमने लिखित में सेक्रेटरी साहब को, डीसी साहब के पास शिकायत दी थी, भेज दिए, उनका समाधान जल्दी 10-5 दिन में आपके पास सभी को देखने को मिल जाएगा। कब तक क्या करें? 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, अभी भी बात हुई है सेक्रेटरी साहब से, उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर समाधान कर देंगे। नागल चौधरी से रामपर फौजी, अजाट टीवी न्यूज।